जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ में और लास्ट टॉपिक से थोड़ा सा आगे, और उसका नाम है रजिस्टर्स के टाइप। ठीक है ना, टाइप ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर आपको जो मिलते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, रजिस्टर समझ में आ गया होगा। रजिस्टर किसे कह रहे हैं हम लोग, रजिस्टर का मतलब क्या था बेटा? रजिस्टर मतलब ऐसी चीज़, ऐसी डिवाइस जो करंट के फ्लो को रोक रही हो, ऐसी डिवाइस जो करंट के फ्लो को रोक रही हो उसे हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। अब रजिस्टर के टाइप, एक तो आपने देखा होगा इंडिकेटर के बगल में, कभी आपने देखा अपने घर की लाइट के इंडिकेटर देखा होगा, इंडिकेटर, और उस इंडिकेटर के जस्ट साथ में एक डिवाइस अटैच्ड होती है, छोटी सी डिवाइस, उसमें कलर बैंड्स बने होते हैं, उसे हम बोलते हैं कार्बन रजिस्टर। तो रजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है वायर बाउंड रजिस्टर और दूसरा होता है कार्बन रजिस्टर। यदि मैं वायर बाउंड रजिस्टर की बात करूं तो आपका रियोस्टेट इसका मैक्स बेस्ट सुटेबल एग्जांपल है। यानी कौन सा है? पहला वायर बाउंडेड रजिस्टर, और दूसरा कौन सा था? दूसरा है आपका कार्बन रजिस्टर। दूसरा कौन सा है? कार्बन रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर और कार्बन रजिस्टर, ये दो टाइप के रजिस्टर होते हैं। अब आते हैं वायर बाउंड रजिस्टर में। वायर बाउंड रजिस्टर होता क्या है? वायर बाउंड रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें कि कोई मेटलिक एलॉय लगा होगा। मेटलिक एलॉय लगने से क्या होगा? मेटलिक एलॉय का काम होता है कि आपके करंट के फ्लो को रोकना। ठीक है ना, तो वायर बाउंड रजिस्टर एक मेटलिक एलॉय का बना होता है। किसका बना होता है? एलॉय का, एलॉय का बना होता है। और कार्बन रजिस्टर से कि नाम से मालूम पड़ रहा है किसका बना होगा? कार्बन से बना होगा। तो वायर बाउंड रजिस्टर मेटलिक एलॉय का बना होता है जिसका यूज क्या होता है कि करंट के फ्लो को रोके। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक लॉस क्या है? बहुत आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो मेटलिक एलॉय में रेजिस्टेंस की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। आपको याद है ना, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जितना अधिक रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना अधिक क्या करना पड़ेगा? लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो वायर बाउंड रजिस्टर आपका जितना अधिक रजिस्टेंस यूज करेंगे उतना बल्की होता जाएगा, उतना बड़ा होता जाएगा। जबकि कार्बन रजिस्टर में एक उसी रजिस्टर में साइज वही होगा, बस कार्बन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती घटती जाएगी। ठीक है ना, तो क्या है, द मोर कार्बन लोअर द रेजिस्टिविटी, जितना अधिक कार्बन बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी। एक तो जो कार्बन रजिस्टर है, एक है वायर बाउंड रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर को हम ऐसी जगह यूज करेंगे जहां पर टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि क्या बता दिया मैंने बता दिया कि वायर बाउंड रजिस्टर को हम वहां यूज करते हैं जो कि जहां पर टेम्परेचर बढ़ जाए। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, पक्का आपको पता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टेंस नो इफेक्ट हो, वहां पर हम वायर बाउंड रजिस्टर का यूज करेंगे। जैसे कि कार के ब्रेकिंग सिस्टम में, ठीक है, रेलवे की ट्रैक्स के ब्रेकिंग सिस्टम में, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स पर क्या होगा? गर्मी, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होने पर क्या हो जाएगा? गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ने से क्या होगा? वो रजिस्टेंस पर इफेक्ट डालेगा। इसलिए कार्बन रजिस्टर वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमें नहीं लगता कि इसका हमें जरूरत पड़ेगी, इफेक्ट पड़ेगा किसका? गर्म होने पर। ठीक है ना, ध्यान रखना वायर बाउंड रजिस्टर कहाँ यूज करते हैं? कार ब्रेकिंग सिस्टम में या फिर रेलवे ट्रैक्स की ब्रेकिंग सिस्टम में। ठीक है ना, जबकि कार्बन रजिस्टर का यूज कहाँ होता है? घरों में, हाउस होल्ड में होता है, और बहुत मैक्सिमम केसों पर कार्बन रजिस्टर का ही यूज होता है। ठीक है ना, कार्बन रजिस्टर का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जो एडवांटेज वायर बाउंड रजिस्टेंस का है? वायर बाउंड रजिस्टेंस क्या होता है? नॉट अफेक्टेड विद टेम्परेचर। टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं करते वायर बाउंड रजिस्टर, जबकि कार्बन रजिस्टर अधिक टेम्परेचर जाने पर वो ब्लास्ट हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, या फिर वो नॉट वर्किंग में आते हैं और फिर दोबारा सही नहीं हो पाते। ठीक है ना, ध्यान रखना वायर बाउंड रजिस्टर वर्क करते रहते हैं कब? जबकि उनको हीट कर दिया जाए, हीट एरिया में रखे जाए, जबकि कार्बन रजिस्टर गर्म होने पर ही अपना वर्क छोड़ देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। दूसरी बात, वायर बाउंड रजिस्टर बहुत बड़े होते हैं, बल्कि इन नेचर होते हैं, जबकि कार्बन रजिस्टर वेरी स्मॉल इन नेचर होता है। तीसरी बात, जब वायर लगा होगा तो महंगा भी होगा, तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है वायर बाउंड रजिस्टर, और कार्बन रजिस्टर बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है। ठीक है ना, तो मैंने आपको डिफरेंस समझा दिए और वायर बाउंड रजिस्टर और कार्बन रजिस्टर समझा भी दिए। कार्बन रजिस्टर बहुत कम स्पेस लेगा,
वेरी चीप होगा, बट एक डिसएडवांटेज कार्बन रजिस्टर किसको नहीं झेल पाता है, कार्बन रजिस्टर नहीं झेल पाता है टेम्परेचर को, अधिक हीट होने पर ये ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है ना, इसका ये डिसएडवांटेज है। अब आते हैं कुछ लिमिट्स पर, तो आप सब नोट कर लीजिए, जरूरी है कार ब्रेकिंग सिस्टम में या एग्जाम में आ चुका है कि कार ब्रेकिंग सिस्टम में आपके या फिर रेलवे ट्रैक्स के ब्रेकिंग सिस्टम में आप क्या यूज करेंगे, तो याद रखना वायर माउंट रजिस्टर यूज करेंगे। अब आते हैं कुछ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की रजिस्टिविटी रेंज पर, ठीक है ना, रजिस्टिविटी रेंज, रजिस्टर नहीं रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी रेंज याद रखना, रजिस्टिविटी रेंज किस किस की याद रखनी है, नंबर वन हमें रजिस्टिविटी रेंज याद रखनी है, नंबर एक कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स की, नंबर टू किसकी याद रखनी है, इंसुलेटर की, इंसुलेटर्स की, और नंबर थ्री हमें याद रखनी है आपकी, और वो है सेमी कंडक्टर्स की, किसकी, सेमी कंडक्टर की, सेमी कंडक्टर्स की। कितनी रेजिस्टिविटी रेंज होगी, थोड़ा इसको याद रखना की जरूरत पड़ेगी आपको, ध्यान रखना इंसुलेटर, इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी बहुत अधिक होती है, यानी कि 10 की पावर 14 ओम मीटर, याद है ना रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम, ओम मीटर टू 10 to power 16 ओम मीटर, ठीक है ना, यानी कि इंसुलेटर की कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होता है 10 की पावर 14 to 10 to power 16 ओम मीटर, ठीक है। यदि हम बात करें इंसुलेटर की, तो 10 की पावर -6 से 10 to power -6 ओम मीटर टू 10 to power 4 ओम मीटर, ठीक है ना, ये किसकी है, सेमीकंडक्टर की। अब देखो भाई, यदि हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी रेंज होती है 10 to power -5 ओम मीटर टू 10 to power -6 ओम मीटर, 10 to power -6 ओम मीटर, ठीक है ना। इसी का रखना कि रेजिस्टिविटी रेंज कंडक्टर्स की कितनी होती है, कंडक्टर्स की होती है 10 to power -5 से 10 to power -6, इंसुलेटर कितनी होती है 10 to power 14 और 10 to power 18 के बीच में, फिर 16 के बीच में, और सेमी कंडक्टर की 10 to power 6 से 10 to power -4 10 to power -6 to 10 to power -4 ओम मीटर तक, ठीक है ना, ये किसकी होगी, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स की होगी, ठीक है। तो रजिस्टिविटी रेंज आपने नोट कर ली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, और वो है मूवेबिलिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। हाँ, एक क्वेश्चन और भी पूछा जा चुका है बोर्ड में, याद नहीं कौन सा बोर्ड में, उसमें पूछा था सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग बाय सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होता है। ध्यान रखना सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, और ध्यान रखना सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है। तो ऐसे कंडक्टर जिनका रेजिस्टेंस जीरो हो उसे हम क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मोबिलिटी पर, मोबिलिटी क्या बवाल है, ठीक है ना, देखना। वैसे आपको केमिस्ट्री में मिलेगा मोबिलिटी और अपने फिजिक्स में भी मिलेगा, तो मैं आपको आता हूँ मोबिलिटी किसे कहते हैं। मोबिलिटी कुछ नहीं है, इट इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। चलिए भाई मैं लिखता हूँ मोबिलिटी, MOBILITY, मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या है, द मोबिलिटी, ध्यान रखना द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज, द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज, द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, कैरियर मोबिलिटी मतलब घूमना फिरना, ठीक है ना। द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब एक्वायर्ड,
acquired कब? Why the unit electric field? Why the unit electric field? Electric field समझना। मोबिलिटी का मतलब हिंदा हिंदी समझना, मोबिलिटी मतलब मूव करना, इधर से उधर घूमना। अब कैसे कोई चार्ज कैरियर घूमेगा, बस समझना क्या है मोबिलिटी क्या है। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल मोशन में जाएगा। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जो चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ध्यान रखना जो आपका पास एक कंडक्टर वायर है, इसमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगा दी, वन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जो चार्ज अंदर के चार्ज कैरियर्स घूमने लगे, चलने लगे, उनकी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाएगी, मोबिलिटी कहलाएगी। समझ में आ गया ना, द मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करें कब, व्हेन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाए, व्हेन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है ना, वाज यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम दिखाते हैं म्यू से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना म्यू इक्वल टू कितना होगा, एक तो वी डी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, अपॉन ई, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होती है आपकी म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। यदि इसकी ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, लिख देता हूँ मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड इसकी क्या है, एस आई यूनिट है, एस आई यूनिट। ध्यान रखना मोबिलिटी की डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, या फिर इसकी यूनिट भी पूछी जा चुकी है। तो मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी किसी चार्ज कैरियर की होती है, मोबिलिटी मतलब घूमना फिरना, और कब होती है, जब एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दी जाए तो जो भी उनकी जो भी उनका घूमना फिरना होगा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मोबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का डेरिवेशन तुम्हें ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं 2 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर को कंबाइन कैसे करते हैं, रजिस्टर कंबाइन इन 2 टाइप्स, नंबर 1 पैरेलल और नंबर 2 सीरीज। तो लिखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर नंबर 1 कॉम्बाइन कैसा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे कहते हैं, जब जिसमें रजिस्टर एक के पीछे लगे हों उसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कैसे कहते हैं, पैरेलल मतलब सबका बिगनिंग पॉइंट, सब इकट्ठे हों, आगे भी जुड़े हों और पीछे जुड़े हों, सबका बिगनिंग पॉइंट और सबका एंड पॉइंट एक ही पॉइंट से जुड़ा हो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल बताया था कि एक भैंस है, उसके पीछे भी भैंस है, उसके पीछे भी भैंस है, उसके पीछे ही भैंस है, यानी एक की भैंसिया के पीछे भैंसिया, भैंसे की पूंछ के पीछे दूसरी भैंसिया, भैंसे के तीसरे पीछे भैंसिया, और इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बना तो उसे हम क्या बोलते थे, उसको हम बोला था सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि तीन भैंस एक ही नाद पर खाना खा रही, नाद का मतलब जहां पर भैंस खाना खाती है, भूसा खाती है, तो एक ही नाद पर तीन भैंस खाना खा रही हैं, इसका मतलब क्या है, उनका बिगनिंग पॉइंट, उनका मुंह खट्टा है और उनकी पूंछ पीछे खट्टी है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो जिसमें सबके बिगनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सब एक कनेक्टेड हों, एक ही पॉइंट कनेक्टेड हो, उसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसमें एक के पीछे एक हो, उसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आर एस इक्वल टू होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/RP इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मुझे अच्छी तरह याद है आज से 6 या 7 साल पहले, यानी कि 2011 के आसपास में 2011 में पैरेलल कॉम्बिनेशन को पूछा गया था, क्या करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, बहुत छोटी सी बात थी लेकिन वो भी 3 मार्क्स में पूछा गया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का ड्राइव करो। मैं बताऊंगा क्या पूछा जाएगा था वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको, फिलहाल तो इतना समझ लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से रेसिप्रोकल होकर रजिस्टर ऐड होते हैं, ठीक है।
इसके अलावा मैं अभी एक क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ आपसे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में लास्ट एक दो साल पहले भी आया था क्वेश्चन है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है, वाई विद द इंक्रीज इन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आंसर समझना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस हैड बीन इंक्रीज बिकॉज इफेक्टिव लेंथ इज इंक्रीज। सीधी सी बात है बेटा, एक रजिस्टर के पीछे दूसरा रजिस्टर लगा होगा, दूसरे रजिस्टर के पीछे तीसरा रजिस्टर लगा होगा, तो क्या बढ़ गया होगा, इफेक्टिव लेंथ बढ़ गई होगी। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इस चीज का याद रखना, आपके एग्जाम में आ चुका है, क्या आ चुका है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बिकॉज इफेक्टिव लेंथ हैज बीन बिकॉज लेंथ इज इंक्रीज। बस इतना लिखो, बिकॉज लेंथ इज इंक्रीज। चलिए भाई, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफेक्टिव रेजिस्टेंस हैज बीन इंक्रीज बिकॉज लेंथ इज इंक्रीज। अब आपसे क्वेश्चन है, क्या कारण है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, आपका कोई लेंथ डिक्रीज कहीं नहीं होती, लेंथ डिक्रीज ध्यान रखना, अभी बताऊंगा जब उसको डेरिवेट करेंगे। फिलहाल तो अब तक आपको सोचना है क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड रजिस्टर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाई इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस हैज बीन डिक्रीज, क्यों डिक्रीज हो जाता है। चलिए पहले इसको डेरिवेट कर लेते हैं। ड्राइव करने के लिए डायग्राम, सर्किट डायग्राम क्या होगा, सिंपल सा सर्किट डायग्राम में क्या करेंगे, जैसे बने जा R1, जैसे जा R2, जैसे जा R3, देयर आर थ्री रजिस्टर, द वोल्टेज द फर्स्ट इज V1, फॉर सेकंड वोल्टेज V2, फॉर थर्ड फॉर रेजिस्टेंस R3 V3 वोल्टेज, एंड दिस इज एंटायर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी और विद अ सेल। ओके, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल, आई मेक अ स्विच की फ्रॉर हियर। ओके, देन आपके पास तीन रजिस्टर हैं, R1, R2, R3, और उनका वोल्टेज कितना है, पहले रजिस्टर का वोल्टेज है V1, दूसरे का है V2 और तीसरे का है V3। करंट फ्लो हो रहा है एक बैटरी या सेल से, ऑन है, और इन पर पहले वाले रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस है V1, दूसरे वाले रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस है V2 और तीसरे वाले रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस है V3। यदि हम यहाँ पे बात करें कि V इक्वल टू कितना होगा, तो हमको पता है V नेट इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। डन, इसे क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया, आपने लास्ट ईयर दो साल पहले ही बनाया भी था। दूसरी एक लाइन आप इसमें लिखते थे, क्या लिखते थे, आई स्टार बना के लिखते थे ना, आई इज सेम इन सीरीज, यस बना हुआ था सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी करंट सेम होता है, आई इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट सेम रहेगा किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, अब तो हो गया सॉल्व, यानी कि आप क्या करेंगे, बाय द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था भैया, वी इक्वल टू आई आर, अब V1 इक्वल टू आई सेम रहेगा कितना हो जाएगा R1, V2 इक्वल टू आई R2, V3 इक्वल टू आई R3। बात समझ में आ गई, इस पूरे को क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया, बस कुछ नहीं किया, ओम्स लॉ लगा दिया, क्योंकि पता है आई सेम होगा तो V इक्वल टू आई आर, V1 इक्वल टू आई R1, V2 इक्वल टू आई R2, V3 इक्वल टू आई R3 कर दिया हमने। अब क्या करें, अब इक्वेशन 2 को क्वेश्चन 1 में पुट कर दीजिए, बस पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 में पुट करिए, क्या आएगा, V की जगह पर क्या लिखना है, आई आर इक्वल टू V1 की जगह पर आई R1, V2 की जगह पर आई R2, V3 की जगह पर आई R3, आई आर ब्रैकेट में आई कॉमन ले लिया, क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कट गया, आर सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। डन,
बस यही इफेक्टिव रेजिस्टेंस है व्हेन द रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज डन एंड हैज बीन देयर रेजिस्टेंस हैज बीन इंक्रीज बिकॉज इफेक्टिव लेंथ इज इंक्रीज डन। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में भी आ गया होगा आपको बहुत अच्छी तरह, ठीक है ना। थोड़ा रिपीट कर देते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के साथ में, ठीक है। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है, आर वन आर टू आर थ्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है इस चीज को। इन अ सीरीज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज बिकॉज इफेक्टिव लेंथ इज इंक्रीज डन। और इसमें कॉम्बिनेशन में इस चीज का याद रखना है कि आई इज सेम, करंट सेम रहता है किसमें, जब रजिस्टर में सीरीज में लगे हो, रजिस्टर कैसे लगे हो, सीरीज में लगे हो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।